वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इफ यू हियर नेम इज दुबे आई मेक ऑन मेकअप डूंगा लाइफ स्टाइल सो आई एम बैक विद एन अदर रिव्यू वीडियो एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू अ मेकअप प्रोडक्ट विच इज कंसीलर फ्रॉम मामा अर्थ ये फाइनली आई गॉट दिस कंसीलर एक्चुअली ये कंसीलर ना डेढ़ दो महीने पहले ही लॉन्च हो गए थे बट जब भी मैं इनको लेने की कोशिश करती तो ये आउट ऑफ स्टॉक चले जाते और मुझे ना कंसीलर रिव्यू पर्पज से लेना था इसलिए मुझे सारे के सारे शेड्स चाहिए थे एक शेड मिल भी जाते

क्वांटिटी एंड जिसकी सेल्फ लाइफ है इयर्स की कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो बहुत ही स्टडी सी ग्लास बॉटल है वाइट कलर की कैप है बहुत ही क्लासिक इसकी पैकेजिंग है और इसका जो एप्लीकेटर है वो इस तरह से आपको मिल जाएगा और अगर बात करें इनके इंग्रेडिएंट्स की तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है वाइटमिन सी एंड टर्मरिक वाइटमिन सी जो है वो आपकी स्किन को यू नो ग्लो देने में हेल्प करेगा ब्राइटन अप दिखाने में हेल्प करेगा एंड टर्मरिक में एंटी प्रॉपर्टीज़ होती है है, जो कि स्किन के लिए कितना अच्छा होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं हमेशा से कहती हूं स्पॉट कवरेज के देगा एंड ट्वेल्व आर तक हाइड्रेशन देगा एंड ये डॉजिकली टेस्टेड है मेड सेफ है एंड इसमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है वेगन है क्रलिटी फ्री है मतलब इतनी सारी चीजें आपको इस कंसेलर में मिल रही है और अब हम इसके स्वाचेस देख लेते हैं यह है शेड नंबर वन आइवरी ग्लो और मैं इनको अपने हैंड पे स्वॉच करूंगी सो so, मैं यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ और मैं नैचुरल लाइट में स्वॉच कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए इनके शेड्स के बारे में ये शेड जो है वो काफ़ी फेयर है मतलब जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होगी उनके लिए है उसके बाद मैं स्वॉच करने जा रही हूँ ज़ीरो टू क्लीम ग्लो और ये जो है ये थोड़ा सा इससे डार्कर साइड पे है अच्छा मैं थोड़ा सा ना इनमें डिस्टेंस देके के सॉच करूँगी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ ना कि ये कितना ऑक्सीडाइज होते हैं हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे देन जिस जो बीच में स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे हम फ्रेश स्वॉच करेंगे ताकि दोनों को जब हम देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंसीलर्स कितना ऑक्सीडाइज़ होते हैं उसके बाद मैं स्वॉच करने जा रही हूँ ज़ीरो न्यूड ग्लो अच्छा ये जो कंसीलर है ना जीरो से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आ, मुझे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगे ये दोनों शेड्स ये दोनों शेड जो हैं ये काफी ज्यादा सिमिलर हैं और जो ये फर्स्ट शेड है ये काफी ज्यादा लाइट है और मैं इन तीनों स्वाचेस को ऐसे ही छोड़ देती हूँ आधे पौने घंटे के लिए और मैं आपको इन कंसीलर्स को फेस पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ उसके बाद हम इनको देखते हैं कि ये कितना ऑक्सीडाइज होते हैं और कितना नहीं मैंने फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर किया है एंड उसके बाद लगाया है प्राइमर क्योंकि मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना था तो मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है इन कंसीलर्स को टेस्ट करने का वैसे ये

मीडियम कवरेज कंसीलर बोल सकते हैं और हाँ इसको आप बिल्ड भी कर सकते हैं बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता है फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है और अभी हम फिर से यूज़ करेंगे कंसीलर और हम फाउंडेशन के ऊपर देखेंगे कि ये कंसीलर कैसा दिखता है ताकि हमको एग्जैक्ट पता चल जाए फाउंडेशन के ऊपर मैं शेड नंबर जीरो टू अपलाई कर रही हूँ एंड फाउंडेशन के नीचे शेड नंबर जीरो थ्री था एंड इसको मैंने हाईलाइटिंग पर्पज से अप्लाई किया है वैसे तो दोनों ही शेड सिमिलर है बट ये थोड़ा सा लाइट है इसलिए मैं इसको फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ अच्छा इसको ब्लेंड करते टाइम ना बिल्कुल भी फाउंडेशन मूव नहीं हुआ समटाइम क्या होता है कि हम फाउंडेशन के ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं तो नीचे से हमारा फाउंडेशन मूव होने लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ बहुत ही अच्छे से ये फाउंडेशन में मर्ज हो गया एंड ब्लेंड हो गया एंड आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के ऊपर ये कंसीलर कैसा लगता है एंड इस कंसीलर को मैं एप्लीकेशन के पांच छह घंटे बाद का भी दिखा देती हूँ कि मेरा मेकअप जो है वो कितना ज्यादा फ्रेश दिख रहा है इन कंसीलर्स को मैंने चार से छः घंटे तक रखा था ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था एंड काफ़ी देर तक मैंने इसको रखा था सिर्फ़ और सिर्फ इस कंसीलर को टेस्ट करने के लिए तो ये कंसीलर बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते हैं स्किन को स्पेशली अंडर आई एरिया जो होता है कितना भी हाइड्रेटिंग कंसीलर आप यूज़ कर लो यहाँ पर आपको ड्राइनेस फील होती ही है एंड जो फाइन लाइनस होती है उसमें कुछ कंसीलर सेट हो जाते हैं जो ड्राई कंसीलर होते हैं बट इनके साथ ऐसा कोई भी इशू मैंने फेस नहीं किया बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन पे ये थे काफ़ी टाइम तक ना ही इन्होंने क्रीज किया और ना ही ये फाइन लाइंस में आ, सेट हुए एंड ना ही मेरी स्किन को ड्राई आउट किया चार से घंटे तक मैंने इनको आराम से अपने स्किन पे रखा था एंड ये कंसीलर्स बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुए इवन मेरे हाथ पे जो स्वाचेस हैं अभी भी मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ एंड देन मैं फ्रेश स्वाचेस बीच में करूंगी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और मैं अब ना दूसरे फ्रेश स्वाचेस भी करके आपको दिखा देती हूँ सो यह है है जीरो वन आईब्रीड ग्लो और ये मैं यहां पे इसके सामने स्वॉच कर रही हूं इसके सामने यहां पे ये है जीरो टू क्रीमी ग्लो और ये मैं स्वॉच कर रही हूं यहां पे एंड तीसरा है न्यूड ग्लो ये मैं सबसे ऊपर स्वॉच कर रही हूँ अच्छा जी तो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें इन कंसीलर्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी और अगर आप इन कंसीलर्स को ट्राई करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं ये आपको अमेजन नाइका पॉपल फ्लिपकार्ट एंड खुद मामाअर्थ की वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो मैं यहाँ पर अपना कूपोन कोड लगा दूंगी उसको अप्लाई करने के बाद आपको ट्वेंटी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अभी मामा अर्थ पे फोर्थ सितंबर से सेल भी स्टार्ट होने वाली है तो सेल में जो डिस्काउंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा बट जो मेरा कूपन कोड होगा उसको अप्लाई करेंगे तो आपको उस डिस्काउंट के बाद भी ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है अच्छा मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि जब भी आप कुछ इनके वेबसाइट से परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस चीज से जो कि ये खुद प्लांट करते हैं तो कितनी अच्छी बात है अच्छा आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर